बार आप देख रहे हैं देसी न्यूज, सबसे पहले सच आप तक। आज हम सेक्टर 18 सरौल गांव में मौजूद हैं, हमारी आज की करेंट लोकेशन में माता के दरबार में हम आए हैं एक छोटी सी बच्ची से मिलते हुए। हम आज उस बच्ची के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्ची ने अपने स्कूल में भी अपना नाम रोशन किया, माँ के दरबार में पूजा करते हुए आज उस बच्ची का डायरेक्ट हम आप तमाम दर्शकों के बीच उस बच्ची को दिखाना चाहेंगे। आपका नाम? आप कितने क्लास में पढ़ती हो? आप माता के दरबार में क्यों आई हो? पूजा करने के लिए। किसके साथ? मम्मी पापा के साथ। आपके मम्मी पापा करते क्या हैं? आवाज आ रहा है। मम्मी घर में रहती है, पापा काम पे जाते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पाई। किस स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। क्यों सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ते हो? मैं सरकारी में क्यों पढ़ती हूँ, मैं प्राइवेट में पढ़ती थी, फिर सरकारी। क्यों सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती क्या? तो आप बोल रहे हैं लॉकडाउन के बाद हमने छोड़ दिया। नहीं पढ़ती हूँ। क्यों लॉकडाउन के बाद आपके पापा गरीब हो गए? जॉब छूट गई थी क्या? हाँ जी, हाँ जी बोलो। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहेंगे, आपके पापा को जॉब मिले? आपके पापा अभी क्या करते हैं? टेलरिंग का काम करते हैं। किस चीज़ में? जैसा कि हम देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे आदमियों की नौकरी छूट गई, इस छोटी सी बच्ची के पापा की भी जॉब छूट गई, जिसके कारण ये बच्ची माता के दरबार में माँ से विनम्र निवेदन करने आई है कि पापा की जॉब लग जाए। इस बच्ची से हम पूछना चाहेंगे, बच्ची आपका घर किधर है? यूपी में कहाँ पे पड़ता है? फरुखाबाद में। किस गांव में? लालगेट। बताऊँ आपके बाबा का नाम जान सकता हूँ? क्यों आपको बाबा का नाम नहीं पता है? आपकी माता की दर? चलिए आइए हम इस भाई से बच्ची के भाई से बात करते हैं। भाई से बात करते हैं, मसला अभी जो बोल मसला क्या? सबसे पहले सच आज तक पहुंचाते हुए आपके साथ देसी न्यूज़, मैं एंकर सुधांशु शेखर। तो आइए इनके भाई से बात करता हूँ। इनके भाई भी माता रानी के दरबार में मौजूद हैं। हाँ, आप माँ के दरबार में क्यों आए? अपना सर झुकाने के लिए आए माँ के दरबार में और थोड़ा मनोकामना पूरी करने के लिए। क्या माता रानी पे पूरी उम्मीद है? पूरा पूरा विश्वास है कि हम जरूर फेमस होंगे। जैसा कि अभी देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप का भी समय चल रहा है, इंडिया अभी सबसे आगे चल रही है, क्या इस बार वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी? यस, इंडिया ही जीतेगी, उसका कुछ नहीं पता, इंडिया ही जीतेगी। पूरे उम्मीद के साथ, पूरा पूरा विश्वास के साथ। चलिए आइए आप मैं इसी के साथ मसला पूछना। यहीं पर।